मित्रों मैं शिव शर्मा व्याख्याता अर्थशास्त्र आर डी गल्स कॉलेज भरतपुर आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति इसकी परिभाषाएं है क्या हैं इसके प्रकार क्या हैं इसके कारण क्या हैं इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके परिणाम और इसको रोकने के तरीके सबसे पहली बात है कि इन्फ्लेशन क्या है मुद्रा स्फीति वो स्थिति है जब अब कीमतों में वृद्धि हो रही हो और मुद्रा का जो मूल्य है या जो कहें मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसमें कमी आ रही हो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रही हो और प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा हो ये पोजीशन होती है जिसे हम कहते हैं कि मुद्रा स्फीति है जैसा कि क्राउथर ने कहा इन्फ्लेशन इज स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइज आर राइजिंग यानी वो स्थिति जहाँ पर मुद्रा का मूल्य कम होता है और कीमतों का बढ़ना जारी रहता है इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं जैसा कि क्राउथर ने कहा एक सामान्य व्यक्ति को अगर हम इन्फ्लेशन की बात समझाएं तो हम कह सकते हैं कि जनरल पीरियड तरीके से कीमतों का बढ़ना इन स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग पावर पैसे से जो चीज़ हम खरीद सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाना और कीमतों का बढ़ जाना ये इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन के प्रकार देखें तो खुला हुआ मुद्रा स्फीति दबी हुई मुद्रा स्फीति उछलती कूदती मुद्रास्फीति रेंगती हुई मुद्रास्फीति या हायर इन्फ्लेशन उच्च शक्ति मुद्रा मुद्रास्फीति ओपन इन्फ्लेशन या खुली स्फीति वो है जब आपकी आय स्तरों में वृद्धि होती है और आय स्तरों में वृद्धि होने के कारण आप डिमांड ज़्यादा करते हैं और डिमांड ज़्यादा करने की वजह से कीमतों का बढ़ना शुरू होता है आ, दूसरा है दबी हुई मुद्रा स्फीति या कहें इन्फ्लेशन या कीमतों का बढ़ना यह वो स्थिति है जब सरकार कुछ प्रयास करती है इकोनॉमिक कंडीशंस को कहीं ना कहीं मैनेज करने की या उस पर नियंत्रण बनाने की और उस कारण से जो इन्फ्लेशन काला बाजारी के वजह से निर्मित हो जाता है उसे हम कहते हैं दबी हुई या कुचली हुई मुद्रा स्फीति और अगला है उछलती या कूदती ये वो स्थिति है जब मुद्रा स्फीति की दर एक से दो प्रतिशत के लगभग होती है लगभग लगभग ये जो दर है जिसे हम कहें कि ये एक इकोनॉमी के लिए ठीक ठाक है अगर उसको कहीं ना कहीं ग्रो करना है अगली जो है वो है रेंगती हुई ये तकरीबन डेढ़ से दो फीसदी या एक फ़ीसदी तक रहती है इसको कहें तो ये वो स्थिति है जब इन्फ्लेशन ग्रो करना या कीमतों का बढ़ना शुरू होता है जैसे हम कहें कि एक पशु जिस तरीके से रेंगता है वैसे प्राइज लेवल का धीरे धीरे रेंगते हुए अपने आ, स्थिति तक आने की पोजीशन ये शुरुआत है हायर इन्फ्लेशन ये वो स्थिति है जबकि प्राइस जो लेवल है या कीमतों का जो स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तकरीबन 20 प्रतिशत से ऊपर कहें तो कई बार ये 90 परसेंट से भी ऊपर की इन्फ्लेशन पोजीशन हो सकती है और ये सबसे भयंकर स्थिति होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए कारण क्या हो सकते हैं इसके दो साइड्स हो सकते हैं इन्फ्लेशन के या मुद्रास्फीति के एक तो डिमांड साइड से और एक सप्लाई साइड से डिमांड साइड से इंक्रीज इन मनी सप्लाई अगर मनी सप्लाई में वृद्धि होती है तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे और तो ज्यादा डिमांड करने से वैल्यू जो प्राइस लेवल है कॉमोडिटीज का वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है इसी से रिलेटेड है डिस्पोजेबल इनकम अब खर्च हो गया है अगर आपको खर्च करने के लिए ज्यादा आय मिल रही है तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे और उसका पोजिशन यही रहने वाला है कि कीमतें बढ़ने वाली है डेफिसिट फाइनेंसिंग या हिना प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन के लिए या घाटों को कम करने के लिए जो नई मुद्रा का चलन किया जाता है उससे सप्लाई बढ़ती है और सप्लाई बढ़ने से डिमांड जनरेट होती है और फिर डिमांड से इन्फ्लेशन शुरू होता है एक्सचेंज विदेशी जो विनिमय जो अनुपात अगर वो बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फिर से वही पोजीशन होती है कि मनी सप्लाई बढ़ने लगती है और मनी सप्लाई बढ़ने से फिर प्राइस लेवल बढ़ना शुरू करते हैं सेकंड जो पार्ट है इन्फ्लेशन को आ, उत्पन्न करें करने का जो बात है तो उसमें सप्लाई साइड है और सप्लाई साइड कहती है कि राइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस प्रशासनिक कीमतों में होने वाली वृद्धि इसको हम लागत का भाग भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर कृषि क्षेत्रों में जो विकास की दर है वो उस तरीके से ना रहे जितना विकास हमें चाहिए या जितने संसाधनों की हमें आवश्यकता है तो भी कई बार सप्लाई कम होने की वजह से भी कीमतों में वृद्धि हो जाती है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी हालांकि सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि एग्रीकल्चर के लिए जो प्राइस पॉलिसी बनाई गई वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को जनरेट करते हैं लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली जो बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली जो बात है कहीं ना कहीं वो तय कर देती है पैमाना कि अब इससे नीचे कीमतें नहीं जाएंगी अब इससे नीचे कीमतें नहीं जाएंगी तो बाजार में कहीं ना कहीं कीमतों का उछाल उससे ऊपर वाले स्तर पर जाता है जो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज हैं या जो नेसेसरी गुड्स हम हमारे लिए जो जरूरी हैं उनकी कीमतें कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी एक कारण है सप्लाई साइड का इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये चीज बताने की ये है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर बढ़िया है तो प्रोडक्शन बढ़िया है सप्लाई बढ़िया है. अगर प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई कम है और सप्लाई कम होने की वजह से जो प्राइस लेवल में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है वो भी इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसका सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये हो सकता है कि आपका जो मार्केट में जो इस तरीके की कंडीशन होती हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है बजट को मेक करने और प्लान और नॉन प्लान बजट्स को एस्टिमेट करने में कि क्या किया जाए बजट में और दूसरी है इन्वेस्टमेंट और सेविंग बचत और कीमतों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है अनसर्टेनेट पोजिशन हो जाती है अनस्टेबिलिटी हो जाती है जिससे एक्सचेंज रेट भी परिवर्तित होती हैं और कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कहें इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रेड्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें उत्पन्न होती हैं सामान्य उपभोक्ता के लिए भी दिक्कतें होती हैं और एक बड़ी चीज़ बड़ा जो समस्या हम लोगों के सामने है टैक्स अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इन्फ्लेशन का मीनिंग यह है कि आपके पास में करेंसी की मात्रा बढ़ रही है तो टैक्सेशन भी बढ़ता है और हायर टैक्सेशन आपकी इकोनॉमी के लिए एक बेकार बात हम कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट है इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इन्फ्लेशन के आपके प्रोडक्शन पर विपरीत असर पड़ सकता है क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ने से लोग मांग भी कम कर देते हैं तो प्रोडक्शन उससे मोटिवेट नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है चीज़ों का और जो डेवलपमेंट होना चाहिए वास्तविक विकास होना चाहिए जो देश का वो विकास आप प्राप्त नहीं कर पाते चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ देखें या एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखें चेंज इन रिलेटिव प्राइस और इनसे जुड़ी हुई जो अन्य चीज़ें हैं उनके भी कीमतों में कहीं ना कहीं वृद्धि या इजाफा होता है ये भी एक कारण है इन्फ्लेशन का या कहें कि परिणाम है इन्फ्लेशन का अब बात यह आती है कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तीन मेजर तरीके हैं मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी एंड अदर मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी पूर्णतया नियंत्रण मुद्रा के ऊपर जैसा कि नाम से पता है मॉनेटरी पॉलिसी इट मीन ये पूरा कहीं ना कहीं मौद्रिक या मुद्रा के ऊपर बात करता है जिसका पहला बात करें तो क्रेडिट कंट्रोल साख नियंत्रण कोशिश ये की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी में कि विस्तार है जो साख का वो कम हो और उस साख के विस्तार को कम करने के लिए सी आर आर एस एल आर रेपो रिवर्स रेपो इस तरीके के बैंक दर वगैरह जो चेंज किए जाते हैं अगली बात है मुद्रा का विमुद्रीकरण वर्तमान में जो मुद्रा इकोनॉमी में चल रही है उसको हटाकर या रिप्लेस करके भी इन्फ्लेशन को आ, कम करने की कोशिश की जाती है इश्यूज़ ऑफ न्यू करेंसी नई मुद्रा सृजित कर देना फिजिकल पॉलिसी में कहें तो एक्सपेंडिचर के ऊपर नियंत्रण करना टैक्सेस को बढ़ा देना बचतों को बढ़ाना या प्रयास करना कि बचत किस तरीके से बढ़े सर प्लस बजट आपके पास में रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो और आपके द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर कम हो पब्लिक डेबिट्स सार्वजनिक ऋण को प्रोत्साहन मिले एक ऐसा प्रयास होता है और ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम आ, कोशिश कर सकते हैं अदर मेजर्स की जहां तक हम बात करें तो उसमें है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं प्रोडक्शन बढ़ाने के अलावा जो एक बड़ी समस्या इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कहेंगे रुकावट पैदा करती है वो है काला बाजारी जैसी चीज़ें तो कुछ लीगल एक्टिविटीज़ इस तरीके की ऐसे कुछ कानूनी प्रावधान भी बना सकते हैं प्रतिबंध भी लगा सकते हैं जिनसे कोशिश की जाए कि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा सकें प्रोडक्शन तो अपने आप में है ही प्रोडक्शन क्योंकि सप्लाई साइड को बढ़ाता है ये कोशिश है कि सप्लाई साइड से बढ़ने के बाद में वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे नियंत्रण में बनी रहेंगी लेकिन दूसरा जो आ, बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि हम ये ये कोशिश करें कि काला बाजारी जैसी स्थितियां जो स्टॉक बनाकर रख लिए जाते हैं मार्केट में क्योंकि गवर्नमेंट अपना आ, पूरा पूरा ध्यान अगर उस चीज़ पे कहीं लगाए तो जो प्राइस लेवल का इंक्रीज़ हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं हम आ, नियंत्रण पाने की स्थिति में रहेंगे तो ये कुछ चीज़ें थी कि इन्फ्लेशन के बारे में कि जो प्राइस लेवल का राइज होता है प्राइस लेवल क्यों राइज़ होता है क्या इसके कारण है, क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं प्राइस लेवल के इस चीज़ को बताने की मैंने आपके सामने कोशिश की और कोशिश किया ये समझने का कि कारणों से निदान की तरफ किस तरीके से बढ़ा जाए और इकोनॉमी को बाहर किस तरीके से निकाला जाए इस पोजिशन से धन्यवाद